बताया भी गया कि भगवान जब मंदिर बन जाएगा तो आज पूरी अयोध्या खुशहाल हो जाएगी, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मतलब देखने में खुशहाल लग रही है बाहर बाहर से, न्यूज में न्यूज में दिखाई जा रही है, और न्यूज वाले ऐसा नहीं, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक सारी बातें सारे लोगों में पहुंच नहीं पा रही, पहुंच नहीं पा रही। ये लोग जैसे ये लोग दबा लिए हैं, अगर पहुंचती होगी भी तो ये लोग बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी की सुनवाई करता भाई साहब, हमारी आपकी कोई नहीं सुनेगा बात, आप समझिए। हम उनके लिए चींटी हैं। हाँ ये हाँ, तो उनके लिए तो चींटियां घूम रही हैं। हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये है कि हमारा राम मंदिर बन चुका है, राम जी आ चुके हैं, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव पार्ट भी है। एक मंदिर के बहाने इस तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए, एक मंदिर मनाइए, मंदिर के हम समर्थक हैं, हम अयोध्यावासी हैं, बिल्कुल, हम तो उसके भक्त हैं, बिल्कुल, लेकिन मंदिर के आड़ में किसी तरीके से दुर्भाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं आऊं तो किसी को दुख ना हो, दुख ना हो। आपने 20 मीटर लिया, आप इसको 40 मीटर लेते, 40 मीटर ले लेते, 40 मीटर 30 मीटर की सड़क बनाते, 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर, ठीक है, आप दुकान 5-5 मीटर का दुकान बना के देते। हाँ बिल्कुल, जो तोड़ा उसको बढ़िया बना के दो, बढ़िया, जो जमीन पे नीचे रह गई उसको ऊपर उठा के दो, मनाही कोई नहीं है, तुम तोड़ो ये भगवान के लिए। एक रुपया मुझे मत देते, एक रुपया किसी को देने की भी जरूरत नहीं थी, दुकान तोड़ा दुकान बना के दे देते, बात बात तो बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा कुछ लागत होता हमसे भी ले लेते, बिल्कुल। इतना बड़ा मंदिर बन सकता है तो 100 दुकानें नहीं बन सकती।